कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मूल्य वृद्धि इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के सामने मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। देख सकते हैं आप, ढेर सारे लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये जो फांसी के फंदे पूरे लंबे दूर तक लटकाए गए हैं और ये सारे लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन की एक अलग सी श्रृंखला करी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर बता रहा हूँ। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कामेश बाल्मीकि हैं। ये हरियाणा में बॉक्सर थे और एक मासूम बच्ची को बचाना, उन एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही थी, उनको बचाने के चक्कर में इनको मार दिया गया। हमारे समाज का एक अनमोल हीरा खो गया। एक मासूम बच्ची की रक्षा करते हुए कामेश बाल्मीकि शहीद हो गए। हरियाणा सरकार इस बहादुर का राजकीय सम्मान दे और हत्यारों को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाए। कामेश स्टेट लेवल के बॉक्सर थे। जय भीम मेरे प्यारे भाई। तो सोचिए किस तरह से इस देश में लोगों की हत्या हो जाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर कौशल पवार ने भी एक ट्वीट किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरह से इस देश में जाति के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही है कि आप अपने आबरू सम्मान की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और रोहतक के कामेश बाल्मीकि की शहादत और इस पूरी घटनाक्रम पर बातचीत जो है वो जारी है। और रोहतक के कामेश बाल्मीकि की शहादत और इस पूरी घटनाक्रम पर आज तो लगातार कौशल बाल्मीकि जो कौशल पवार जो है इस पर बातचीत कर रही हैं। कितने असंवेदनशील हो गए लोग, चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। बहुत दुखद और पीड़ादायक है। दरअसल ये घटना है दुखद। वीर कामेश लोहात बाल्मीकि हमारे बीच नहीं रहे। एक 13 साल की लड़की की आबरू बचाती हुई अपनी जान की बाजी लगा दी। बॉक्सिंग में कई बार चैंपियनशिप भी जीती और अभिनय का भी शौक था और मॉडलिंग की भी की है। सामाजिक कार्य भी दिल से करता था और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई। बहन बेटी की आबरू बचाने के लिए अपना बलिदान देने वाली। ये देखिए, ये वीडियो भी चल रहा है। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता सोशल मीडिया पर क्योंकि ये ठीक नहीं है। और देखिए किस तरह से उनको मार दिया गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक खबर है, दर्दनाक खबर है। स्क्रीनशॉट लगाए मेरे एडिटर। और 13 वर्षीय बच्ची को ये बचाना चाह रहे थे और इनकी हत्या कर दी गई है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। और जातिवाद, घर में घुसकर भी लोगों को मार दिया जा रहा है। ये हरियाणा से बहुत ही दुखद खबर है और बहुत ही चौंकाने वाला और विभत्स खबर है। और उसी तरह से एक दूसरी खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र जो है वो यूपी के झांसी जाता है और चुनाव लड़ता है और ये वहाँ के जातिवादियों को बर्दाश्त नहीं होता और ठाकुर समाज के लोग पूरे परिवार पर हमला करते हैं। ये वीडियो भी है। अब वो लगातार मदद मांग रहा है, वो उसका परिवार छिप के रह रहा है। डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट किया, झांसी पुलिस ने कहा है कि कंप्लेन करेंगे लेकिन अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो ये स्थिति है देश में और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि लगातार जातिवाद का जहर जो है वो लोगों में भरता जा रहा है। दूसरी ये तस्वीर देखिए जो मोन्टाज में आपने देखा होगा, ये फांसी लगा रहे हैं लोग। ये दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये तारीख 5 नवंबर 2011 की तस्वीरें हैं जब पेट्रोल के दाम 68 रुपये थे भोपाल मध्य प्रदेश। अब जबकि 100 रुपये हो गए हैं तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो इसका भी 10 सेकंड का विजुअल दिखाएं। प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मूल्य वृद्धि इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के सामने मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। देख सकते हैं आप, ढेर सारे लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये जो फांसी के फंदे पूरे लंबे दूर तक लटकाए गए हैं और ये सारे लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कंगना रनावत का एक खबर है कि कंगना रनावत को अब काम ही नहीं मिल रहा है और वो टैक्स भी नहीं भर पा रही है। ये राष्ट्रवादी कहती हैं अपने आप को। और किस तरह से इन्होंने अपना छीछा लेदर करा लिया है। अच्छी हीरोइन थी। बीजेपी से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, आरएसएस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, इनको दोस्ती महंगा पड़ रहा है। और जातिगत जुल्म के खिलाफ जो काम पुलिस को करना चाहिए था आज वो भीम आर्मी कर रही है। जाति को कुचल कर बगैर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। नेशन विथ भीम आर्मी, आज ये ट्विटर पर नेशन विथ भीम आर्मी ट्रेंड कर रहा है और लाखों लोग जो है इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार। और वही दिलीप मंडल ने लगातार बांदा की जो खबर थी जिसमें 15-18 सीट में 11 ठाकुर, 3 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, SC ST OBC माइनॉरिटी के तो लोग गायब हो गए। इसके लिए ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं वो भड़के हुए हैं और उनको अब लगता है कि जातिवाद हुआ है। वहीं जो गाड़ी पलट गई थी और पुलिस की जो हत्या हुई थी उसमें जिस तरह से दुबे को मारा गया था तो 3-4 दुबे लोग जेल में हैं। अब वहाँ के लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जातिवाद फैला रहे हैं।
तो सिर्फ ठाकुरों की भर्ती हो रही है, यही ब्राह्मणों की भर्ती होती तो मामला चुप हो जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में ब्राह्मण मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी कॉलेज यूनिवर्सिटी बिजनेस सबको रूल करता है। तो अब ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि जातिवाद है। सोचिए, यही 11 ब्राह्मण होते, इसलिए दिलीप मंडल इसको लगातार लिख रहे हैं। ये भी तो संभव है कि जो ठाकुर कैंडिडेट आए उनमें ज्यादा मेरिट था, 15 में से 11 ठाकुर आ गए तो इतना बड़ा हंगामा क्यों हो गया? 11 ब्राह्मण आ जाते तो कोई पूछता भी नहीं। खास जाति के पत्रकार इस नियुक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नियुक्ति कैंसिल होकर रहेगी, शर्त लगा लीजिए। और ये देखिए जनरल सीट पर, पहली बार ठाकुर अच्छी संख्या में आ गए और मीडिया को मिर्ची लग गई। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जनरल सीट पर ज्यादा ब्राह्मण होने चाहिए। तो दिलीप मंडल जो है वो दुधारी तलवार की तरह खेल रहे हैं इसको। सबसे बड़ा सवाल तो है कि ब्राह्मण लड़कियां पुजारी, एक कर्नाटक में सरकार ने कहा कि जो भी ब्राह्मण पुजारी से शादी करेगी लड़कियां उसको 3 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण पुजारी जो होते हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, बीमार होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो है कि ब्राह्मण लड़कियां पुजारियों से शादी करना क्यों नहीं चाहती? क्या लगातार निठल्ले रहने के कारण पुजारियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं? क्या इसका कारण गरीबी है? क्या पैसा ही सब कुछ है? सरकार को समस्या की जड़ में जाकर स्टडी कराने की जरूरत है। और ब्राह्मण कन्याओं के लिए कर्नाटक सरकार का बम्पर ऑफर, अगर आप दलित पुजारी से शादी करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। और ये श्रीनिवास ने ट्वीट किया है कि देखिए जेपी नड्डा हैं, गोयल हैं, पीयूष गोयल हैं, जितिन प्रसाद हैं, इनके कई लोग हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना है। तो श्रीनिवास ने पूछा है कि ये क्या है? और एक बहादुर युवक की हत्या, हरियाणा सरकार के फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी अभी की जो मैं आपको दिखा रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो योगी जो है यूपी में बिहार दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली उनकी पेशी, आज अमित शाह से मिले हैं, कल मोदी से मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव लगातार, अगर सपा बसपा का गठबंधन हो जाए तो क्लीन स्वीप की स्थिति बनती है, लेकिन चुनाव आयोग में जिस तरह से नियुक्ति हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अब तो यूपी चुनाव में खेल होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।